नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा और आप देख रहे हैं अमृत विचार। इस वक्त हम मौजूद हैं खिरनी बाग मैदान में और आप यहां पर देख रहे हैं कि सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशन एसोसिएशन के सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया है। आइए चलकर मांग पूछते हैं इनसे कि प्रशासन से इनकी क्या मांगे हैं। देखिए, मुख्य तौर से हम लोग चाहते ये हैं कि हमारा पेंशन का कम्यूटेशन अभी तक 15 वर्ष में किया जाता है, जबकि हमारा मूलधन वर्तमान में 8 साल 3 माह में पूरा हो जाता है। इसलिए हमारी प्रमुख मांग है कि वो वर्तमान में 15 साल के स्थान पर सरकार 10 साल की कटौती की व्यवस्था करे। दूसरी चीज, सरकार हम लोगों का सारी वितरण व्यवस्था जो है वो पेंशन की बैंकों को देने जा रही है, जिस पर हम लोगों को सख्त ऐतराज है। हमारी पेंशन व्यवस्था जैसी चल रही है, ट्रेजरी के स्थान पर बैंकों को देने की व्यवस्था न की जाए, क्योंकि उससे प्रत्येक पेंशनर को परेशानी हो रही थी। हम लोग पहले झेल चुके हैं, बाद में ट्रेजरी में दी गई, उससे हम लोग सुविधा में हैं। इसलिए हमारी खास तौर से ये मांग है कि हमारी पेंशन की व्यवस्था यथावत ट्रेजरी के हाथ में रहे। तीसरी चीज, हम लोगों के साथ में एक और प्रॉब्लम है, जो हम लोगों का रीइंबर्समेंट की व्यवस्था मेडिकल की हो रही थी, उसमें वर्तमान में इतने परेशानियां उठानी पड़ती हैं एक 60 साल 65 साल के व्यक्ति को। हमारी ये मांग है कि वो एकल विंडो सिस्टम, सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाए। हम एक जगह अपने पेंशनर का वाउचर दें, पेंशन का जो भुगतान किया है हमने चिकित्सा का, और वो हमें वहाँ से वापस मिल जाए। खास तौर से ये मांगे हैं, और जबकि सरकार इस पर सहमत भी थी। वार्ता में 2018 में हुई वार्ता में सरकारों ने इस मांग पर 7 बिंदुओं पर सहमति दी थी, लेकिन 2018 से 1.5 वर्ष व्यतीत हो गया, अभी तक उस पर एक भी आदेश नहीं हुआ। इस कारण हम लोग विवश हुए हैं कि आज हम धरना देकर सरकार का ध्यान अपने पुराने 22 सूत्री मांग पत्र की ओर आकर्षित करें और सरकार से अनुरोध करें पुनः कि हमारी मांगों पर यथाशीघ्र उचित कार्रवाई करके निर्णय करें। अन्यथा हम लोग वही पुराने लोग हैं जिन्होंने 86 में आंदोलन किया, सरकार को विवश होकर हमारी मांग माननी पड़ी, 96 का आंदोलन देखा, सरकार ने मांगें मानी, और अभी भी हम उम्र जरूर ज़्यादा है लेकिन जज्बा वही है, सरकार को हमारी निजी मांगें माननी ही पड़ेंगी। इसके लिए हम लोगों को चाहे किसी सीमा तक संघर्ष करना पड़े, हम सब लोग प्रदेशी प्रांतिक नेतृत्व अमरनाथ यादव जी के नेतृत्व में तैयार हैं।